शीत सत्र के दौरान विधान भवन पर विविध संगठन के मोर्चे दस्तक देते हैं। इसी श्रृंखला में आज रविकांत दुग्गर ने विधान भवन पर भव्य किसान मोर्चा लाने का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए विधान भवन परिसर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। किसानों की कई मांगों को लेकर रविकांत दुग्गर आज भव्य मोर्चा लेकर विधान भवन पर धड़कने वाला है। भव्य मोर्चा में सैकड़ों की संख्या में किसान शामिल हुए हैं। इसे देखते हुए विधान भवन परिसर में सुरक्षा दृष्टिकोण से एहतियात बरती जा रही है, जहां परिसर में हर आने जाने वाले व्यक्तियों पर पुलिस कैमरे से नजर रखी हुई है। शीत सत्र के दौरान कई संगठनों के कई लोग मोर्चे लेकर जो है विधान भवन पर दस्तक देते हैं, और आज जो है शीत सत्र का जो है नौवा दिन है। कल शीत सत्र जो है खत्म होने वाला है, और उससे पहले आज जो है किसानों का बड़ा मोर्चा जो है, भव्य ऐसा मोर्चा जो है विधान भवन पर दस्तक दे रहा है, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि किसी तरह की अपरिहार्य घटना ना हो, किसी तरह की अनुचित घटना ना हो, और इसी के मद्देनज़र जो है विधान भवन की सुरक्षा जो है और चाक चौबंद कर दी गई है। हम देख रहे हैं कि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पे हमें बड़ी संख्या में दिखाई दे रहा है। वैसे तो शीत सत्र के दौरान जो है विधान भवन परिसर को एक छावनी का रूप आता है, यहाँ पे जो है पुलिस का बंदोबस्त, किसानों का भव्य मोर्चा जो है विधान भवन पर दस्तक देने वाला है, उसी के चलते जो है आज हम देख रहे हैं कि विधान भवन परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से पूरी व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर दी गई है। सभी और जो है चेकिंग जो है बहुत ही कड़ी कर दी गई है। हर आने वाले आदमी की, अंदर जाने वाले लोगों की जो है कड़ी कड़ाई से जो है यहाँ पे जो है चेकिंग चल रही है। हर आदमी को है जो चेक किया जा रहा है, रोज़ भी ऐसा होता है, लेकिन आज जो है इस मोर्चे को देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।